हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में लिन एक होटल रूम में आकर रेस्ट कर रहा था। इधर हमारी हीरोइन चैंग भी पूरी तरीके से पी के टोन थी और लिन के रूम में आ जाती है। लिन उसे देख कर शॉक में था। चैंग बोलती है, तुम तो बड़े हॉट और हैंडसम हो। लिन पूछता, तुम अंदर कैसे आई और कौन हो। चैंग उसे हक कर बेड पर गिर जाती है। लिन पूछता है, क्या तुम पागल हो। चैंग बोलती है, तुम मेरा एडवांटेज क्यों नहीं ले रहे, और उसे किस कर देती है। लिन तो उसे घूरे जा रहा था। चैंग उसे बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मुझे किस करने की। लिन बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो। लेकिन चैंग तो उसे हक कर ही सो जाती है। लिन बोलता है, ये पियक्कर लड़की यहाँ कैसे आ गई, और वो भी उसके साथ ही सो जाता है। मॉर्निंग में चैंग उसे देखकर चिल्लाने लग जाती है। लिन बोलता है, पागल हो गई हो क्या, इतने सुबह सुबह चिल्ला क्यों रही हो। चैंग तो उसे चाटा मार देती है, तुमने मेरा एडवांटेज उठाया है ना। दोनों गुस्से में रिसेप्शन पर आते हैं और बोलते हैं, मेरा रूम कार्ड इसके पास कैसे आया। रिसेप्शनिस्ट चेक कर बताती है, सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा हो गया होगा, और सॉरी भी बोल देती है। लिन तो गुस्से में वहाँ से चला जाता है और फिर टशन मारते हुए अपनी कंपनी में एंट्री मारता है। तभी एक लड़की के बैग से कोई निकलकर लिन के पास आ जाता है। ये लड़की और कोई नहीं, चैंग ही थी। चैंग पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिन बोलता है, ये तो मुझे पूछना चाहिए। एम्प्लॉय आकर बताती है, ये हमारी कंपनी की न्यू मार्केटिंग असिस्टेंट है। चैंग बोलती है, ओ तो तुम हो कंपनी के प्रेसिडेंट। लेकिन लिन तो तुरंत उसे जॉब से फायर ही कर देता है। लिन को उसके ग्रैंडपा का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं, चैंग तुम्हारी फियांसी है। लिन बोलता है, वो पागल लड़की मेरी फियांसी कैसे हो सकता है, वैसे वो देखने से आपको कहाँ से लड़की लगती है। ग्रैंडपा अपनी बात बोलकर कॉल कट कर देते हैं। लिन अपनी सेक्रेटरी को कॉल करता है और चैंग को वापस ऑफिस बुलाने को कहता है। चैंग ऑफिस में आती है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है। लिन पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है। वो चैंग बता देती है। लिन बोलता है, चैन कंपनी इस सिटी की टॉप 10 कंपनियों में से एक है, इसीलिए तुमने उनका नाम चूज किया है ना। चैन बोलती है, मैंने भी सुना था लिन ग्रुप का हायर जेंटलमैन है, पर देखने से तो ऐसा लग नहीं रहा है। लिन उसे अपने क्लोज लाता है। चैंग बोलती है, तुम क्या करना चाहते हो। लिन बोलता है, तुम मेरी फियांसी हो तो किस तो कर सकता हूँ ना, वैसे ग्रैंडपा बूढ़े हो गए हैं इसलिए सही से दिखाई नहीं देता, वरना तुम जैसी को वो अपने डॉटर इन लॉ चूज क्यों करते। चैन बोलती है, ठीक कह रहे हो, भला एक कौवे और हंस का भी कोई मेल होता है। लिन बोलता है, कल से काम पर आ जाना। चैन ओके बोलकर चली जाती है। चैंग किसी को कॉल पर बता रही थी, तुम चिंता मत करो मैं लिन को पटा लूंगी। लिन घर आकर शावर लेने चला जाता है। चैन भी उसके घर में धमक पड़ती है और वॉशरूम में जा रही थी। लिन उसे देखकर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। चैन बोलती है, मैं अपने मंगेतर का ध्यान रखने आई हूँ जान। लिन बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर एक ही बेड है। चैन बोलती है, तो क्या हुआ, हम दोनों एक ही बेड पर सो जाएंगे। लिन बोलता है, ये इतनी बेशरम लड़की कैसे है, और बेड की दूसरी साइड जाकर लेट जाता है। ये देखकर चैन भी बेफिक्र होकर सो जाती है। लिन तो उसे ताड़ने लग जाता है, ये पागल लड़की है पर देखो कितनी क्यूट लगती है। तभी चैन उसे हिट कर देती है। लिन सोचता है, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो इसे क्यूट बोल रहा था। मॉर्निंग में लिन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। चैन उठकर टाइम देखती है, वो तो लेट हो गई है। लिन उसे देखकर बोलता है, आज नहीं तो कल मैं इसे अपने घर से धक्के दे के निकाल दूंगा। चैन को ऑफिस जाने के लिए कोई भी टैक्सी मिल नहीं रही थी। तभी लिन कार लेकर आ जाता है और बोलता है, क्या लिफ्ट चाहिए। चैन हाँ बोल देती है। लिन बोलता है, सोचना पड़ेगा, और कार लेकर भाग जाता है। बेचारी चैन तो देखती रह जाती है। लिन ऑफिस में था, चैन भी भागी हुई वहाँ पहुँच जाती है। लिन बोलता, तुम तो जॉब के पहले दिन ही लेट आई हो, तुम्हारी हाफ सैलरी तो काटनी पड़ेगी। चैन बोलती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लिन बोलता है, चैन ग्रुप के ओनर की बड़ी बेटी हो, जरा से पैसों के लिए इतना मर क्यों रही हो। चैन बोलती है, क्यों ना मरूं, मेहनत के पैसे हैं, और ये बोलकर चली जाती है। लिन की सेक्रेटरी पेपर साइन करवाने आती है। लिन साइन कर बोलता है, चैन के बैठने का इंतजाम भी मेरे ऑफिस में कर दो, और घर पर एक बेड भी भिजवा देना। सेक्रेटरी ओके बोल देती है और सोचती है, बॉस को तो अकेले रहना पसंद था ना। चैन लिन के केबिन में आकर इतराने लग जाती है ताकि लिन को पटा सके। लेकिन लिन उसकी हरकतें देखकर बोलता है, क्या तुम्हारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है। चैन को तो गुस्सा आ जाता है
लिन को तो हंसी आ रही थी। घर पर चैन बड़े मजे से स्नैक्स खा रही थी। लिन भी घर पर आ जाता है और पूछता है, ये क्या कर रही हो? चैन बोलती है, दिखता नहीं है स्नैक्स खा रही हूँ, तुम भी खाना चाहते हो क्या? लिन बोलता है, मुझे डाउट हो रहा है, क्या तुम सच में चैन ग्रुप की बड़ी बेटी हो? ये बोलकर चला जाता है। लेकिन बाद में खुद वो उसके साथ बैठकर वही स्नैक्स खा रहा था, वो भी बड़े मजे लेकर, इवन कि उसके स्नैक्स भी छीन लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चैन लिन के रूम में आती है। लिन अभी भी सो रहा था तो चैन उसे चेक करती है। लिन को तेज फीवर था, चैन उसकी केयर करने लग जाती है। जैसे ही लिन जागता है, चैन पूछती है, ठीक हो गए क्या? लिन तो उसे किसी कर देता है। चैन को भी अच्छा लग रहा था। दोनों साथ में वाटर बोतल लेने लगते हैं तो चैन अपना हाथ हटा लेती है। लिन बोलता है, तुम शाय फील कर रही हो ना? चैन बोलती है, ऐसा तो कुछ नहीं है। लिन बोलता है, लग तो ऐसा ही रहा है। नेक्स्ट सीन में चैन चनशाय नाम की एक लड़की से मिलती है। चनशाय पूछती है, सब कैसा चल रहा है? चैन बोलती है, वो मेरे प्यार में पड़ गया है। चनशाय बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने उसे इतनी जल्दी पटा लिया। चैन बोलती है, जो तुम चाहती थी मैं कर रही हूँ, उम्मीद है तुम भी अपना प्रॉमिस याद रखोगी। चनशाय हाँ बोल देती है। घर पर लिन चैन को बार बार बुला रहा था, लेकिन ये मैडम तो किसी और ख्यालों में खोई हुई थी। लिन उसके क्लोज आकर बोलता है, आज तुम पूरा दिन ऑफिस से भी गायब थी, क्या तुम्हारी बची हुई सैलरी भी रिडक्ट कर दूं? चैंग मना कर देती है। लिन बोलता है, चैंग फैमिली ने तुम्हें ऐसा क्या सिखाया है? तुम्हें तो पैसों से बहुत ही ज्यादा प्यार है। चैंग बोलती है, मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी चैन ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है। लिन बोलता है, तुम तो सब कुछ जानती हो। रात को लिन घर आता है और उसे एक रिंग दिखाता है। आज नहीं तो कल हमें साथ होना है, तो क्यों ना प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, और उसे प्रपोज करता है, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? चैंग हाँ बोल देती है। चंगसाई चैन को बोलती है, लिन और चैंग ग्रुप के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो मैंने तुम्हें लाने को कहा था। चैंग बोलती है, लिन हमेशा मुझ पर नजर रखे रहता है। चंगशाय बोलती है, क्या तुम भूल गई हो? तुम चैंग फैमिली की बड़ी बेटी चैंग नहीं हो। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, चैंग के डैड को किसी ने किडनैप कर लिया था और उससे पैसों की डिमांड कर रहा था, लेकिन चैन के पास इतने पैसे देने को नहीं थे। तभी चंगशाय आकर बोलती है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे सकती हूँ, पर बदले में पहले तुम्हें मेरा काम करना होगा। प्रेजेंट में चंगशाय उसे बोलती है, अगर तुम्हारा फेस मेरी मरी हुई बहन से नहीं मिलता तो तुम लिन के साथ कभी नहीं रह पाती। लिन की सेक्रेटरी आकर उसे बताती है, मुझे खबर मिली है, चैंग ग्रुप की बड़ी बेटी 6 महीने पहले ही मर चुकी है। यहाँ जो चैंग बनकर रह रही है वो रियल नहीं है। लिन समझ जाता है ये सब उस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में हो रहा है। चैंग के फोन की बैटरी डेड हो जाती है, इसीलिए लिन से उसका फोन मांगती है। लिन उसे दे देता है। चैंग फोन का पासवर्ड पूछती है। लिन बताता है, तुम्हारा बर्थडे। चैंग तो शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या तुम्हारी हर चीज का पासवर्ड मेरा बर्थडे है? लिन हाँ बोल देता है। चैंग लॉकर का पासवर्ड खोलकर कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल निकालकर ले जा रही थी। लिन भी सीसीटीवी कैमरा से ये सब देख रहा था और उसे चैंग पर गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में चैंग बड़े मजे से घर पर टीवी देख रही थी, तभी लिन उसके पास आता है और उसे किस कर देता है। चैंग उसे दूर हटाती है। लिन बोलता है, चनशाय ने तुम्हें जो वन नाइट स्टैंड करने के लिए पैसे दिए थे, क्या वो काफी नहीं थे? चैंग बोलती है, तो तुम्हें सब पता है। लिन गुस्से में उसे घर से दफा होने को बोल देता है। थोड़ी देर बाद लिन को अपने रूम में चैंग का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था, आई लव यू, माना कि मैंने तुम्हें झूठ कहा था पर मेरा प्यार सच्चा था। लिन तुरंत उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे चनशाई का कॉल आता है, अगर तुम अपनी जान को सही सलामत देखना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट लेकर यहाँ आ जाओ। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, चैंग चनशाई को वो कॉन्ट्रैक्ट देकर जा रही थी। चनशाई फाइल चेक करती है, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इसलिए वो चैंग को पकड़ लेती है। प्रेजेंट में लिन चैंग को बचाने वहाँ आ जाता है। चंगशाई के पंटर लोग उस पर अटैक कर देते हैं। लिन सबको धोकर चैंग के पास आता है और रस्सी खोलने वाला था, तभी पीछे से एक आदमी उसे हिट करने वाला था, लेकिन चैंग बीच में आकर उसे बचा लेती है। चैंग खुद बेहोश हो जाती है। लिन उस आदमी की धुलाई कर रहा था, तभी कोई पीछे से उसे हिट कर देता है। पुलिस की आने की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोलता है और अपनी सेक्रेटरी से चैंग के बारे में पूछता है। असिस्टेंट बताती है, जब हम लोग वहाँ गए थे तो चैंग वहाँ नहीं थी। लिन बोलता, चाहे कितने मर्जी पैसे खर्च हो जाए, तुम लोग चैंग को ढूंढ निकालो। एक साल बीत जाता है, लेकिन अभी तक लिन को चैंग नहीं मिली थी।
लिन रिंग को देखकर उसे याद कर रहा था, तभी रिंग गिरकर एक लड़की के पास आ जाती है। ये लड़की और कोई नहीं चैंग थी। लिन बोलता है, तुम तो सक्सेसफुल बन गई हो ना? चैंग बोलती है, हाँ। लिन उसे रिंग के साथ प्रपोज करता है, इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। चैंग बोलती है, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आई हूँ। और यहीं पर इस ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारंगी बाय बाय।